नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रवण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। यह एक धार्मिक त्योहार है और इस दिन सरकार की तरफ से भी छुट्टी की घोषणा की जाती है। ये भाइयों और बहनों का बहुत प्यारा त्योहार है। अब हम जानते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाए जाने वाला पर्व है और इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं और उनको रक्षा कवच बांधती हैं। भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है और मिलजुल कर बड़े हर्ष उल्लास से इसको मनाया जाता है। घर में पूजा की जाती है, भाई की आरती उतारी जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने आगे के जीवन की प्लानिंग करते हैं। रक्षाबंधन की कहानी की अगर बात की जाए तो रक्षाबंधन के संबंध में कुछ पौराणिक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार दैत्य और देवताओं में जब युद्ध हुआ, जब दैत्यों के राजा बलि ने इंद्र को हरा दिया, इंद्र की पत्नी सची ने तब भगवान विष्णु को राखी बांधी थी और अपनी और अपने पति की रक्षा का वचन लिया था। ये एक कहानी पौराणिक कथाओं में हमें देखने को मिलती है। दूसरी कहानी राजा बलि और मां लक्ष्मी की है। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे। वो चाहते थे कि भगवान विष्णु राजा बलि के महल में रहें और उन्होंने भगवान विष्णु को राजी भी कर लिया। इस बात को लेकर मां लक्ष्मी बहुत खुश नहीं थी। तब मां लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी थी और उनसे वचन ले लिया था कि भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दो और उन्हें मेरे साथ जाने दो। ये एक कहानी देखने को मिलती है। दूसरी कहानी यम और यमुना के मिथक की मिलती है। यम और यमुना आपस में भाई बहन थे। 12 वर्ष तक जब यम यमुना से मिलने के लिए नहीं आए, तब गंगा ने ये संदेश यम को भिजवाया और यम बेहद खुशी खुशी अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए। तब अपनी बहन के प्रेम से गदगद हो गए थे। यमुना को अमृतत्व का वरदान दे दिया था। भाई बहन के इस प्रेम को रक्षाबंधन के रूप में याद किया जाता है, मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास क्या है? विश्व इतिहास में रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रक्षाबंधन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूं। सिकंदर और राजा पुरु। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया, तब सिकंदर की पत्नी रोशानक ने राजा पौरस को एक राखी भेजी। उसने सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। इस परंपरा के अनुसार कैकेय के राजा पौरस ने युद्ध भूमि में अपनी कलाई पर बंधी राखी देखी और सिकंदर पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। ये राखी की महानता थी। रानी कर्णवती और हुमायूं को भी रानी कर्णवती ने राखी बांधी थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात सर्वोपरि करने वाली घटना है। सन 1935 के आसपास इस घटना को जब को लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के बहादुर शाह जफर से नहीं बचाया जा सकता, जो पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, रानी कर्णावती ने उसे राखी भेजी, एक बहन की मदद करने के लिए बोला। हालांकि इस बात से बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन फिर भी इस घटना का वर्णन हमें इतिहास में देखने को मिलता है। 1905 का बंग भंग और रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया था और ये घटना भी इतिहास में दर्ज है। देश भर में इससे एकता का संदेश गया था और ऐसा माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया था। सिखों का इतिहास। 18वीं शताब्दी के दौरान खालसा सिख के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा को आविष्कार किया। उसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का एक छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और उसकी एवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करती थी। यह भी इतिहास में देखने को मिलता है। महाराजा रणजीत सिंह, जिनका अभी अभी पाकिस्तान में जिनकी मूर्ति तोड़ी गई है, इससे निंदनीय घटना कुछ नहीं हो सकती। जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, जिनकी पत्नी महारानी जिंदान ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी। नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार की थी, लेकिन नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इंकार कर दिया था। इस घटना का जिक्र भी इतिहास में मिलता है।
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रक्षाबंधन को कैसे मनाना चाहिए। असल में रक्षाबंधन मनाने का सबसे बड़ा उदाहरण ये होना चाहिए कि हम पहले लेन देन का व्यवहार खत्म कर दें। ये प्यार का त्योहार है, ये प्यार का पर्व है। हर भाई को हर एक नारी की इज्जत करनी चाहिए, एक सीख देनी चाहिए। अपने व्यवहार की इस परंपरा को समाज में जिंदा रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और अपराधों से हमेशा दूर रहेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी के हाथ में है। आज के नव युवकों को चाहिए कि इसमें पहला कदम रखें, इसे व्यापार न बनाकर एक त्योहार की तरह मनाएं। अपनी बहन की समय समय पर मदद करें और बहन को भी ये सोचना चाहिए कि कोई गिफ्ट या पैसे पर प्यार नहीं टिका होता। त्योहार तो त्योहार है, उसे सादगी से सुंदरता से अगर मनाएंगे तो और निखर जाएगा। कुछ जगह पत्नी अपने पतियों को भी राखी बांधती है। उनका अक्सर सिर्फ यह है कि पत्नी अब उसे अपनी रक्षा का वचन देती है। ये रक्षा का त्योहार है। कुछ लोग इसे बुरा नहीं मानते, कुछ लोग ये मानते हैं कि पत्नियों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी स्त्री की रक्षा कर सकते हैं, उसे जीवन भर सुख दे सकते हैं, उसे ऐसा वचन दे सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हमारा देश विविधताओं का देश है। ये भाई बहन का त्योहार बहुत सदियों से मनाया जा रहा है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। प्रेम और सौहार्द का ये रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है और ये त्योहार बहुत पवित्र त्योहार है।